और अगली खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से है, जहां पर श्रावस्ती लोकसभा का चुनाव 25 मई को होना है। आज शाम से चुनाव का जो प्रचार है वो थम जाएगा, प्रत्याशी घर घर जाकर वोट मांग सकेंगे। आपको बता दें, यहां पर भारतीय जनता पार्टी, सपा और बसपा के प्रत्याशियों के बीच लड़ाई है, लेकिन माना जा रहा है कि भाजपा और सपा के प्रत्याशी के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल सकता है। आखिरकार श्रावस्ती की जनता क्या चाहती है, जनता के क्या मुद्दे हैं, जनता किन मुद्दों को लेकर वोट करेगी और किसको अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी, ये जानने के लिए हमने बौद्धशीष श्रावस्ती के कटरा चौराहे पर कुछ लोगों से बातचीत की तो अलग अलग मुद्दे निकल कर सामने आए। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से है, जहां पर बताया जा रहा है जिसने भिनगा और श्रावस्ती विधानसभा जीता वही लोकसभा का विजेता बना, यह पिछली बार से इतिहास है। हालांकि यहां पर विभिन्न पार्टियां अपने दिग्गजों को बुलाकर लगातार चुनाव प्रसार कर रही हैं। प्रधानमंत्री से लेकर बसपा की सुप्रीमो मायावती तक श्रावस्ती में रैली कर चुकी हैं। वहीं बलरामपुर में सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने भी रैली करते हुए लोगों को संबोधित किया है और एक बार फिर से सपा की सरकार बनाने की लोगों से अपील की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बौद्धशीष श्रावस्ती में पहुंचकर विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा और भाजपा के प्रत्याशी साकेत मिश्रा को जिताने की अपील की। देखना यह होगा कि बौद्धशीष श्रावस्ती जो लोकसभा सीट श्रावस्ती 58 है, यहाँ से किसके सर पर जीत का सेहरा बनता है। श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र के गठन के बाद से अब तक हुए 3 चुनाव में यहाँ के मतदाताओं ने हर बार अलग अलग दल को मौका दिया। चौथे चुनाव की तैयारी भी अंतिम दौर में है। मतदान के पहले प्रचार के लिए बचे चंद दिनों में उम्मीदवार पूरी ताकत झोंक रहे हैं। अब तक हुए चुनाव के परिणाम पर अगर नजर डालें तो लोकसभा क्षेत्र का विजेता वही बना जिसने श्रावस्ती जिले की दोनों विधानसभाओं में जीत दर्ज की। आखिरकार यहाँ के लोगों के क्या मुद्दे हैं, लोग क्या चाहते हैं, रुझान लोगों, यहाँ की जो जनता है उनका इस बार क्या मुद्दा होगा। 25 मई को श्रावस्ती में मतदान होना है, जिसको लेकर इस समय प्रत्याशी अपना पुरजोर जोगल ताकत लगाए हुए हैं, लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसके साथ साथ भीषण गर्मी में उनके समर्थक भी जी जान से कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि 25 तारीख को जब मतदान है तो लोग कितनी संख्या में मतदान बूथ तक पहुंचते हैं और वोट करते हैं और कौन सी सरकार चुनते हैं, किसको इस बार अपना आशीर्वाद देते हैं और कौन यहाँ से जीत हासिल करेगा। श्रावस्ती जनपद की अगर बात करें तो 1997 में श्रावस्ती जनपद को अलग किया गया था। आज उसी श्रावस्ती के बौद्धशीष श्रावस्ती के कटरा चौराहे पर हम लोग खड़े हैं। हमारे साथ कुछ जनता है जो यहाँ की लोकल है, इनके क्या मुद्दे होंगे, क्या इनकी मांग होगी, किन मुद्दों को लेकर ये वोट करेंगे और किसको इस बार अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? सुनील कुमार तिवारी। तिवारी जी, क्या मुद्दा होगा? मुद्दा क्या है, यहाँ तो सांसद जी पहली बार सपा की तो लड़ाई ही नहीं है, बसपा के सांसद थे वो भी लापता थे 5 साल, और जनता के वर्तमान सांसद थे 5 साल लापता थे, 5 साल लापता थे। कैसे अब किसी ने क्षेत्र में देखा हो तो बताइए, बाढ़ आई, लोग इतना परेशान थे, डूब रहा था, गांव आदमी मर रहे थे, भूखों मर रहे थे, वीडियो तो वायरल हुआ है, शायद आप सभी पत्रकार बंधुओं ने भी देखा होगा, सब लोगों ने देखा है, सब लोग खड़े हुए हैं। तो ऐसे लापता सांसद की हमें नहीं लगता कि यहाँ पर कोई लड़ाई है, लड़ाई ही नहीं है। जब 5 साल बीत गया, चलिए वो लापता थे, इस बार क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे, कैसी सरकार आप लाना चाहते हैं, क्या छवि होनी चाहिए? जो विदेश के लोग हमें देखना नहीं चाहते थे, आज हमारे प्रधानमंत्री को अपने यहाँ आने के लिए मतलब न्योता दे रहे हैं, चाहिए, और उनके पास जाने के लिए टाइम नहीं कि वहां पे जाए। इतना बड़ा कद, इतनी बड़ी छत, राम मंदिर निर्माण, सबको राशन, सबको बिजली, मुफ्त चिकित्सा, सारी व्यवस्था सरकार ने रखी, तो भाजपा को छोड़ करके हमें नहीं लगता किसी और के बारे में कोई सोचेगा। जैसा कि साफ शब्दों में इनका कहना है कि डबल इंजन की जो सरकार थी उसने काफी विकास किया और यहाँ के जो सांसद थे, वर्तमान में सांसद थे, वो 5 साल लापता थे। लापता सांसद के रूप में वो सोशल मीडिया पर विख्यात हुई है, लोगों का साफ तौर पर आरोप भी है कि वास्तव में वो विख्यात है और वो वास्तव में गायब थे। या क्या नाम है? दिनेश कुमार शुक्ला। दिनेश जी, क्या मुद्दा होगा इस बार फिर से चुनाव है? फिर से चुनाव, मोदी सरकार बनेगी, क्या मुद्दा होगा, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? राशन, बिजली और जो कार्य है, मतलब महिलाओं का सम्मान और कई मुद्दा है जिसके लिए जो है सरकार बनाने के लिए विफल है। ये तो बाढ़ पीड़ित में भी नहीं दिखाई दे,
कभी भी, 5 साल हमने इनको देखा ही नहीं, आज तक जाना ही नहीं। क्या नाम है आपका? अरविंद मिश्रा। अरविंद जी, यहाँ से कठरा घाट, आपके पास में कोई घाट है, वहाँ की लगातार आप लोगों की मांग रहती है कि वहाँ पर पुल किया जाए, क्या मुद्दा होगा इस बार? अब वही कि वो बन जाए, उससे क्या फायदा होगा, कितने गाँव वालों का फायदा होगा? कम से कम बहुत ज्यादा, कम से कम मान के चलिए 250 गाँव का तो फायदा होगा ही। इसी मांग से आप लोग उठा रहे हैं? मांग तो कम से कम 20-25 साल से चल रही है। कोई सुना? कोई नहीं सुना। 5 साल बाद आते हैं तब क्या मतलब होता है? बस वही कहेंगे कि आप करवा रहे तब करवा रहे, कोई देखता ही नहीं उनकी तरफ। भैया क्या नाम पड़ेगा? प्रणाम बाबू गुप्ता। प्रणाम बाबू जी, ये फ्रेशर चुनाव है, 25 तारीख को मतदान है, क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? महंगाई, बेरोजगारी या विकास? सर विकास पे, विकास पे। हमारे अंदर रोड है, मथुरा वाली रोड पे सर घुटने ले ले पानी भरा रहता है। बाढ़ आती है तब क्या? बरसात होती है तो बाढ़ तभी हो जाती है। लगातार लोगों के अलग अलग मुद्दे हैं, लोगों की अलग अलग बात है। क्या नाम पड़ेगा? रमेश मिश्रा। मिश्रा जी, क्या मुद्दा होगा 25 तारीख को चुनाव में? मुद्दा क्या है? विकास के नाम पर हम लोग वोट करेंगे, मोदी जी के जितनी योजनाएं हैं उसका हमको लाभ मिल रहा है, हमारे क्षेत्र की जनता को लाभ मिल रहा है, उसके इसी के नाम पर हम लोग वोट करेंगे। भगवान बुद्ध की तपोस्थली है, माँ सीता के बच्चों की जन्मस्थली है, यहाँ पर क्या विकास हो चाहते हैं, जो चीज अभी तक ना हो पाया हो? अभी तो विकास होने में लगभग बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो कुछ चीजें, जैसे रेलवे स्टेशन, हमारे यहाँ रेल लाइन नहीं है, रेल लाइन की मतलब प्रक्रिया चल रही, रेल लाइन जो हो जाएगी तो उससे भी थोड़ा सा विकास होगा। और ऐसे क्या कहते हैं, नवीन गल्ला मंडी है, वो चालू हो गया है, लेकिन अभी मतलब किसानों का उसका जो है, ये गल्ला मंडी का जब समय से गल्ला समय से बिक जाएगा उसका भी मतलब लाभ मिलेगा, यही सब योजना है। 25 मई को मतदान होना है, आप हमें युवा भी लग रहे हैं, पढ़े लिखे भी हैं, क्या बेरोजगारी, महंगाई ये सारी मुद्दे नहीं है, केवल विकास आप देख रहे हैं? बेरोजगारी कहीं है ही नहीं, जब आदमी काम नहीं करना चाह रहा तो बेरोजगारी है, अगर आदमी काम करना चाह रहा तो बेरोजगारी तो है, हमें नहीं दिख रहा है कहीं बेरोजगारी, हम लोग भी तो काम कर रहे हैं। महंगाई? महंगाई किस चीज की भाई, वही महंगाई पहले, अगर इससे 10 साल पीछे अगर देखा जाए, क्या महंगाई नहीं थी? और ज्यादा महंगाई थी, हमें तो लग रहा है जिस तरीके से विकास हो रहा है उससे ज्यादा महंगाई तो हमें नहीं दिख रहा है कहीं। अभी उससे नॉर्मल हुआ है, हम नॉर्मल नहीं है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि जिस तरीके से विकास हो रहा है उस हिसाब से भी महंगाई है। चलिए, अलग अलग लोगों के मुद्दे हैं। जी जी, मुद्दे होंगे, 25 तारीख को मतदान है। जी, 25 तारीख हम लोग मोदी जी के सपोर्ट में हैं और मोदी जी के नाम से वोट करेंगे। हमारे जो यहाँ से प्रत्याशी इलेक्शन लड़ रहे हैं वो अच्छे हैं, कर्मठ हैं, ईमानदार हैं, पढ़े लिखे शिक्षित हैं। अच्छा, भाजपा के ही लोगों ने किया, कुछ लोगों ने पहले विरोध भी किया कि बाहरी को भगाओ, बाहरी हैं आपके जो प्रत्याशी हैं साकेत मिश्रा जी, उन्हीं की बात कर रहे हैं ना, वो बाहरी भी तो है, इस पर क्या कहेंगे? बाहरी तो सब लोग हैं, बाहरी ये भी जो पिछले बार सांसद के यहाँ से गए, वो 5 साल यही जो है 20 मीटर पे उनका कार्यालय था, किसी ने उनका चेहरा तक नहीं देखा है 20 मीटर पे, तो क्यों पांच सालों में लापता थे, अब उनका कहना है कि मैंने यहाँ पर श्रावस्ती आवास से श्रावस्ती सदन बना लिया है, अब हम इसी बीच रहेंगे, क्या उस लुभावने वादे में आप आएंगे? बिल्कुल नहीं, जैसे हमारी सरकार जो वर्तमान सरकार थी वो अच्छे तरीके से हर क्षेत्र में काम कर रही है, तो हमें दूसरे की आवश्यकता क्या है? जैसा कि इनका साफ तौर पर कहना है कि जो सांसद हैं भाजपा के प्रत्याशी रखे गए हैं उन पर हम लोग विश्वास कर रहे हैं और मोदी योगी की जो योजनाएं हैं उन पर लगातार हम लोग काम करेंगे और उन्हीं को वोट देंगे। अगर सांसद की बात की जाए जो यहाँ पर निवर्तमान थे, बार बार उसमें यही आ रहा है कि वो लापता सांसद के रूप में विख्यात माने जा रहे हैं, हालांकि बसपा ने भी एक प्रत्याशी उतारा है, क्योंकि बसपा से पिछली बार सांसद बने थे, बसपा से दद्दन खाजी खान को उतारा गया है। चाचा क्या नाम है आपका? राम कुमार पांडे। कहाँ गए? कल्याणपुर। क्या करते हैं? जी करते हैं। कुछ मुद्दा है, चुनाव आ गया, वोट वोट कैसे डालेंगे, किसको देंगे? हम तो भाजपा को देंगे। भाजपा ने कुछ दिया है आपको? हमें बहुत कुछ दिया है, सब सुविधा भाजपा दे रही है, क्या बिजली और ये खाद वगैरह ये सब खेती बाड़ी में ये सब हमें सुविधा मिल रहा है। तो यहाँ बहन जी आई रहा तो उनसे नहीं कुछ मिला? उनसे हमसे कोई पार्टी से मतलब नहीं है, कोई पार्टी हमें लूटने आती है देने नहीं आती। हाँ, हमें भाजपा से संतुष्ट है, भाजपा को वोट करें। हाँ, लगातार लोगों के अलग अलग मुद्दे हैं, या कोई सुन को लेगा। चाचा क्या नाम है आपका? आप तो बुजुर्ग है। अनुखीलाल पाठक। पाठक जी, पंडितपुरा सरावस्ती में रहते हैं। हम पाठक। आप भी पाठक? हाँ। अच्छी है, बहुत बढ़िया मुद्दा होगा इस बार ये भैया, सबका साथ सबका विकास, ये काम बहुत अच्छा सरकार है, ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, ये सरकार जो है सब लोगों को जो है 2000 रुपया जो है महीना देती है, और ये सरकार सबको अनाज देती है, फ्री अनाज देती है, ये सरकार अच्छी सरकार है, ये सरकार को हम भैया मोहर मारेंगे कमल पे।
हमको लगाना है कमल। किसान है आप? किसान है और क्या, किसान निधि मिलना है, किसान निधि मिल रहा है क्या? वही तो बताया किसान निधि 2000 मिल रहा है आपके साथ साथ आपके गाँव वालों सबको मिल रहा है, ये कोई नहीं कह रहा है, कहीं पर कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं, हमको बस इसी पर वोट लगाना है भाजपा के। अच्छा आप तो बहुत बुजुर्ग है, बहुत वोट देखे होंगे। अरे बहुत देखा है, अटल बिहारी वाजपेयी के पास हम भी रहे भी तो इसी क्षेत्र थे और का बहुत अच्छा सांसद थे, लेकिन उनका जो है नहीं हो पाया। वर्तमान सांसद से पूछना चाहते हैं आप लोगों के टीवी चैनल के माध्यम से, तो अपने आवास तो अपना यहाँ बना लिए, लेकिन कोई ऐसा एक काम बता दें जरा बस्ती में आप जहाँ आवास बनाए वहाँ से एक काम करो है, एक दूसरे भाजपा के सरकार की गवर्नमेंट की जो योजनाएं है उसकी जो काम है उसको गिना करके पोस्टर पे छपवा है, ये सब गलत है, बिल्कुल पूर्णतः निराधार है, न इनका कोई काम है न इनका कहीं अता पता है, पूर्णतः लापता सांसद, पहले भी लापता था अब भी लापता है, बिल्कुल लापता है। सीधे तौर पर वाल उन्हीं पर हो रहा है, अगर बात की जाती है तो यहाँ पे भाजपा के बात उठ कर आ रही है कि भाजपा सरकार से लोग काफी संतुष्ट हैं, एक बार फिर से ये भाजपा की सरकार बनाएंगे। राजकुमार